नीमच सहित मध्य प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना अपने पैर पसार चुका है। कोरोना की इस दूसरी लहर ने बड़ी तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग से लेकर शासन प्रशासन सभी आमजन को इस संक्रमण से बचाव के उपायों को अपनाने की अपील कर रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि अपनी छोटी छोटी लापरवाहियों के कारण कोरोना को निमंत्रण दे रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ गई है। नीमच जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने सरकार के द्वारा मिले निर्देश अनुसार लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी किया है। के खबर की टीम से चर्चा में अपर कलेक्टर एसआर नायर ने बताया कि नीमच जिले में प्रत्येक शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान केवल आपातकालीन सुविधाएं जैसे दूध डेयरी, मेडिकल हॉस्पिटल आदि खुले रहेंगे। आपको बता दें कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकार को सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनता से बहुत निवेदन किया, लेकिन उसका असर जनता में देखने को नहीं मिला। और आज हालात यह हो चुके हैं कि सरकार को कहीं 9 दिन तो कहीं 3 दिन तक लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार के इस फैसले से कहीं खुशी होगी तो कहीं गम होगा। नमस्कार, मैं हूं घनश्याम लोहार, आप देख रहे हैं के खबर न्यूज़। जिला अपर कलेक्टर नायर साहब से बात करेंगे। कोरोना को लेकर जिस तरीके से प्रशासन ने कल शाम को 6 बजे से लगाकर सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगा दिया जाएगा, किस तरीके की दुकानें खुली होगी, कौन सी दुकानें बंद होगी, उसको लेकर नायर साहब से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका की खबर में। धन्यवाद। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग के निर्देश अनुसार जिला प्रशासन ने भी निर्णय लिया है कि प्रत्येक दिन रात को जो है 10 बजे से 6 बजे तक जो है नाइट कर्फ्यू रहेगा, और नाइट कर्फ्यू में किसी प्रकार की जो है आने जाने पे रोक रहेगी। केवल जो विशेष कोई मामले होंगे उसी में जो है अनुमति दी जाएगी। इसी प्रकार से जो है शासन के निर्देश अनुसार शुक्रवार की शाम 6 बजे से लेकर के और सोमवार की सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन भी रहेगा। मतलब ये रविवार इतवार पूरा शनिवार इतवार पूरा जो है लॉकडाउन जारी रहेगा। और इस लॉकडाउन की अवधि में सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो है बंद रहेंगे, और उसमें केवल हमने जो कुछ एसेंशियल चीज़ें उसमें छूट दी है, जैसे दूध की दुकान, पेट्रोल पंप, बैंक के एटीएम और मेडिकल की दुकानें और चिकित्सालय वगैरह जो डॉक्टर्स हैं उनकी सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। शेष सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। औद्योगिक क्षेत्र को भी हमने इसमें छूट दी हुई है। इसके अलावा जो है सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, और ये लॉकडाउन जो रहेगा केवल नगरी क्षेत्र में रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहेगा। इसके अलावा जो है जो लॉकडाउन की अवधि में जो है आवाजाही पर कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है। विशेष कोई कार्य हो तो ही लोग बाग घर से निकले, उस पर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन बाजार बंद रहेंगे। इसके अलावा शनिवार इतवार को, प्रत्येक शनिवार इतवार को आगामी 3 माह तक जो है सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। कुछ एसेंशियल सर्विस के दफ्तर छोड़ करके, जैसे बिजली विभाग का दफ्तर हुआ, टेलीफोन का हुआ, नगर पालिका का दफ्तर हुआ, ये चालू रहेंगे और बाकी कार्यालय बंद रहेंगे। सर, ये जो वाहन आवागमन होंगे तो क्या वाहन भी शुक्रवार से प्रतिबंध हो जाएंगे? नहीं, वाहन जो ट्रांसपोर्ट है इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट पर और जिले के अंदर भी जो ट्रांसपोर्ट है उस पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है, लेकिन उस पर ये प्रतिबंध बराबर बना रहेगा कि सभी यात्रियों को, ड्राइवर कंडक्टर को जो है मास्क लगाना आवश्यक रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था बस में रहेगी। और ये इसमें स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जो अभी आज आदेश जारी किया है, अगर इसमें कोताही बरती बस मालिकों ने तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सर, ग्रामीण क्षेत्रों की बात बताइए तो ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है लॉकडाउन नहीं रहेगा। जैसे जावद हो गया, नगरी, केवल नगरी क्षेत्र मतलब जो छोटे नगर भी है, जो नगर परिषद भी है या नगर पालिका भी है, तो वो नगरी क्षेत्र कहलाते हैं। तो ऐसी जगह पे सब लॉकडाउन रहेगा, टोटल लॉकडाउन। हाँ, केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहेगा।
सर जो बिना मास्क के घूमते हैं प्रशासन चालानी कार्रवाई करता है, लेकिन दुकानदार भी होते हैं, दुकानदार भी नियमों की अवहेलना करते हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाह लोग जो नजर आते हैं, ऐसे लापरवाह लोगों के लिए आपके तरफ से क्या संदेश है? लापरवाह जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उनके विरुद्ध लगातार जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है, और मगर मास्क लगाए पकड़े जाने पर जो है जुर्माना भी करते हैं। और अभी हमने एक जेल, अस्थाई जेल की भी व्यवस्था की है, और अगर मौका लगा तो अगर ऐसी नौबत आई कि लोग नहीं मानेंगे तो हम कुछ लोगों को जो है अस्थाई जेल के लिए में भी दिन भर के लिए भेजेंगे। देखिए, अपर कलेक्टर नायर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि जो बिना मास्क लगाए शहर में घूमते हैं या बसों में बैठकर जाते हैं, मास्क का उपयोग नहीं करते हैं, ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है और अस्थायी जेल जो है कोठी के रूप में बना चुका है। अगर आपको कोठी में नहीं जाना है तो मास्क को लगाना रहेगा, दो गज की दूरी का पालन करना होगा और सुरक्षा के नियमों का जो पालन है वो आपको बाकायदा निभाना पड़ेगा। घनश्याम लोहार।